नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग दर्शन में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए इसी अच्छाई के साथ, इसी खुशी के साथ एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइफाइड फीवर क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्यूबरकुलोसिस क्या होते हैं, टीबी क्या है, किस तरह की बीमारी है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्या उसके लक्षण हैं, अगर उसे ट्रीट ना किया गया तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं आगे चल के। अब हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, बीमारियों को ही पढ़ ही रहे तो एक और बीमारी के बारे में पढ़ लेते हैं। वो है हेपेटाइटिस, जो कि हमारे लीवर से जुड़ी बीमारी है। तो हेपेटाइटिस जो हेप वर्ड यूज होता है वो मेनली लीवर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यानी कि हेपेटाइटिस जो हमारा है वो लीवर का इन्फेक्शन है। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग कवर करेंगे कि हेपेटाइटिस क्या होता है, किसके कारण होता है, यानी कॉजेटिव एजेंट क्या है, किस तरह के लक्षण आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, यानी हेपेटाइटिस ट्रीट ना किया गया तो किस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद एक इसके ट्रीटमेंट क्या है, यानी इलाज किस तरह से कर सकते हैं, क्या कौन कौन से मेडिसिन दे सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है इसके, किस तरह से बचाव कर सकते हैं इससे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेपेटाइटिस जो है वो एक तरह का क्या है, हमारा लीवर का इन्फेक्शन है, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज है लीवर का, जो कि वायरस के कारण होता है। तो वायरल डिजीज़ है ये, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने दो डिजीज़ पढ़ा जो कि बैक्टीरियल था, ये हमारा वायरल डिजीज़ है। इसके कॉजेटिव एजेंट देखें, यानी किसके कारण होता है, तो मेनली ये जो हमारा है वो वायरस के कारण होता है। तो वायरस हेपेटाइटिस ए ई बी इनके कारण हो सकता है, वायरस हेपेटाइटिस बी सी एंड डी के कारण हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा है कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो मेनली कोई भी अगर बीमारी होती है तो उसमें फीवर, उल्टियाँ आना, उल्टी जैसा फीलिंग होना, भूख ना लगना, कमजोरी होना, ये सब कॉमन लक्षण है, ठीक है। तो इसमें भी वही सब दिक्कतें होंगी, बुखार आएगा, बहुत तेज़ बुखार आता है शाम के टाइम में, ठीक है, या फिर ऐसे कोई किसी टाइम में भी बुखार आ सकता है। उल्टी जैसे फीलिंग होगी, नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टियाँ होंगी, ठीक है। फ्लैचुलेंस यानी कि पेट में, स्टमक में गैस बनेगा, गैस बनेगा तो गैस की दिक्कत होगी, तो पेट में जो है अनकंफर्ट होगा, यानी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी आपको, ठीक है। फिर थकान होगी, कमजोरी सा महसूस होगा, काम नहीं कर पाएंगे, इनएक्टिव फील होगा आपको, लेजीनेस होगा शरीर में। फिर जॉन्डिस हो सकता है, यानी कि हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी इन्फेक्शन है, तो जॉन्डिस भी तो लीवर से जुड़ी ही इन्फेक्शन के कारण होता है, तो जॉन्डिस हो सकता है, जिससे कि पीलापन पड़ जाएगा शरीर में, ठीक है। हो सकता है कि हेपेटाइटिस के कारण जो है रिलीज ना ट्रीट किया गया तो क्रॉनिक बन जाए, यानी बहुत ज़्यादा सीरियस जो है ये ग्रुप ले ले, तो उसमें हमारा सिरोसिस हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, और इसका जो है साइज भी बढ़ सकता है, हिपेटोमेगाली हो सकता है, इसमें लीवर का इनलार्जमेंट हो जाएगा, लीवर का साइज बढ़ जाएगा। तो मेनली यही इसके लक्षण है हेपेटाइटिस के। इसके बाद हमारा है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर हेपेटाइटिस को ट्रीट ना किया गया। तो हेपेटाइटिस अगर ट्रीट ना किया जाए तो हेपेटिक कोमा हो सकता है। यानी हेपेटिक कोमा में क्या होगा कि जब हमारा लीवर टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारे ब्लड से बाहर नहीं कर पाएगा, यानी कि टॉक्सिक जो भी टॉक्सिन्स है वो सब को अगर निकाल नहीं पाएगा तो ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करेगा, हमारे दिमाग पे अफेक्ट डालेगा। तो हमारा दिमाग अगर अच्छे से काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, तो हम लोग कोमा में जा सकते हैं, यानी हम लोग अनकॉन्शियस हो जाएंगे, ठीक है, बेहोशी की हालत में आ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है कोमा में जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट मैंने क्या है कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। वायरल डिजीज का कोई भी एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं होता है, बस उसके लक्षण को ट्रीट किया जाता है। तो इसके लक्षण में उल्टियाँ हो रही है तो एंटी इमेटिक ड्रग्स दे देंगे, डायरिया है तो डायरियल ड्रग्स दे देंगे, ठीक है, जो भी डायरिया को ट्रीट करे। पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उसके जो है लक्षण के अनुसार जो है मेडिसिन यहाँ पर देते हैं। तो ये हमारी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जिसमें कि हमारा इंटेकावीर है, टेनोफोवीर है, फिर हमारा लैमिवुडीन है, फिर हमारा एडेफोवीर है, ये सब एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो कि जो हेपेटाइटिस बी का एकदम क्रॉनिक यानी बहुत ही सीरियस रूप ले ले, तब हो सकता है ये सारे एंटीवायरल ड्रग्स जो है प्रेस्क्राइब किए जाएँ। लेकिन मेनली जो है इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट, यानी कि बस इसके लक्षण को ही ट्रीट
किया जाता है। मैंने आपने लिए 52 जो है मेडिसिन टैबलेट के बारे में सुना होगा, उसके सीरप भी आते हैं, तो आप जो है ये डिजीज तो होने के बाद तो उसका लिए तो थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन अगर आप पहले से ही अपने लीवर को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को सही करना चाहते हैं, भूख वगैरह नहीं लग रहा, सेहत सही नहीं है, तो आप जो है वो लिए 52 टैबलेट या फिर लिए 52 सीरप को कंज्यूम कर सकते हैं। तो मेनली यही हमारा जो लीवर के बारे में यानी हेपेटाइटिस के बारे में जो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है, यानी हेपेटाइटिस के कारण क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, ना ट्रीट किया गया तो किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, ट्रीटमेंट क्या है, तो मैंने ये शॉर्ट वीडियो तो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए किसी भी बीमारी पे, किसी भी टॉपिक पे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और एक और बात, अगर अभी तक आपने शायद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।